हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आईएएस चैनल। माय नेम इज़ इमरोज और मेरे साथ कैमरे पर मिस्टर प्रमोद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है आईएनजी फॉर्म्स कैसे लगाया जाता है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है और हमेशा याद रखिए कि V1 के साथ ही आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो नंबर 54 है स्पोकन इंग्लिश के, और भी दूसरे वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं जिसमें कोटेशंस हैं, कोट्स हैं और आपके प्रोवर्ब्स हैं। आप उसे भी देखिए और याद करने की कोशिश करिए, और ये जो वीडियो है स्पोकन इंग्लिश का इसमें आप कंटिन्यू बने रहिए। वर्ब के साथ आईएनजी कैसे लगाया जाता है इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जैसे आप गो में आईएनजी लगाते हैं गोइंग हो जाता है, कम में आईएनजी लगाते हैं कमिंग हो जाता है, प्ले में आईएनजी लगाते हैं प्लेइंग हो जाता है। जिस तरीके से एस ई एस लगाया जाता है उसके रूल्स थे, उस तरीके से इसके भी रूल्स होंगे। इसके रूल्स जानने के लिए आपको दो चीज़ों का जानना ज़रूरी है, वो है वाउल और कॉन्सोनेंट्स। VOWEL वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स। आपको याद होगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। वाउल्स 5 होते हैं, क्या क्या, AE IOU, ये 5 वाउल्स होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जैसे BC D, जो इनको छोड़कर हुए वो कॉन्सोनेंट्स। तो याद रखिए, वाउल्स को याद रखिए बस, और कॉन्सोनेंट्स आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सिर्फ वाउल AE IOU 5 वाउल्स होते हैं, उसके बाद बाकी कॉन्सोनेंट्स, ताकि आपको आईएनजी फॉर्म्स कैसे लगाया जाता है ये बात समझ में आ जाए। लेट्स सी, रूल नंबर फर्स्ट कहता है, R1 मतलब रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि जब मैं किसी चीज़ में आईएनजी लगाता हूँ अगर उसके लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है, जैसे आपने एग्जांपल लिया STAND स्टैंड, आप ध्यान दीजिए आखिरी में दो डबल कॉन्सोनेंट्स हैं, इस तरीके से मैं डबल सी लिखा है, दो कॉन्सोनेंट को मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, तो इसमें हम डायरेक्ट लगाते हैं आईएनजी, तो क्या हो जाएगा STANDING स्टैंडिंग। आप देख सकते हैं देर इज़ नो एनी चेंज, कोई बदलाव या चेंज नहीं किया गया, डायरेक्ट आईएनजी पुट कर दिया गया है। जैसे PASS पास, देखिए डबल सी है, डबल कॉन्सोनेंट है, इसमें भी आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टैंडिंग। इस तरीके से आप देखेंगे कि पासिंग है ना, ये पासिंग PASSING पासिंग। उसी तरीके से वॉच WATCH वॉच, CH लास्ट में मिला, आईएनजी लगाइए आप तो क्या जाएगा WATCHING वॉचिंग। तो इस तरह से आप देखिए कि रूल नंबर फर्स्ट में ये है कि अगर लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट मिले, देखिए सब डबल कॉन्सोनेंट, डबल एस मतलब दो कॉन्सोनेंट्स है, CH मतलब दोनों कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, देखिए AOU इसमें नहीं है आखिरी में कहीं पर भी, और दो हम लेटर्स को आखिरी के देखते हैं। R2 जो बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है कि अगर किसी भी आईएनजी के लास्ट में आपको, जैसे हम सेकंड रूल में ले रहे हैं यहाँ पर, मैं डायरेक्ट इस बात को समझाऊंगा, जैसे आपने देखा एग्जांपल में यहाँ पर LOO के लुक, आप देखेंगे लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है मतलब 1C है, और उसके पहले क्या है डबल वाउल है। तो अब हम जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट मिलता है तो उसके पहले दो देखना पड़ता है हमें, तीन लेटर्स को कि क्या है। अगर डबल कॉन्सोनेंट मिलता है तो उसके तीसरे लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक कॉन्सोनेंट मिलने पर हमको उसके पहले क्या है, दो वाउल है कि दो कॉन्सोनेंट है क्या है, ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि एक कॉन्सोनेंट के पहले दो वाउल हैं, इसमें भी हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा LOOKING लुकिंग, देर इज़ नो एनी चेंज। जैसे KEEP, देखिए एक कॉन्सोनेंट है और दो टू वाउल्स हैं, वी हैव टू वाउल्स, तो क्या हो जाएगा ये भी आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा KEEPING कीपिंग। उसी तरीके से ईट आपने कहा, देखिए आखिरी में एक कॉन्सोनेंट है सिंगल, उसके पहले क्या है टू वाउल्स हैं, तो भी इसमें डायरेक्ट आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ईटिंग, EATING ईटिंग। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आई कि हम आईएनजी कैसे लगाते हैं। रूल नंबर 3 बोलता है, तीसरा रूल कहता है, जैसे आपने बोला PUT पुट, अब इसे गौर करिए, यहाँ पर देखिए एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वाउल है, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो डबल कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है एक वाउल है, ऐसी स्थिति में हम लास्ट के जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसको डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा PUTTING पुटिंग। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ वर्ड आपको देखने मिलेंगे, जैसे रन, RUN रन, एक कॉन्सोनेंट है, एक वाउल है, एक कॉन्सोनेंट है, तो आपने क्या किया आखिरी के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं तो डबल एन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा RUNNING रनिंग। उसी तरीके से एक और वर्ड ले रहा हूँ SWIM स्विम, एक कॉन्सोनेंट है, एक वाउल है, एक कॉन्सोनेंट है, डबल कॉन्सोनेंट के बीच में आप देख रहे हैं एक वाउल है, ऐसी स्थिति में आखिरी के कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं तो डबल किया मैंने तो SWIMMING स्विमिंग। तो ये तीन रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं दो और रूल है छोटे छोटे इसके, जो मेन रूल्स हैं मैं उनको पहले बता रहा हूँ यहाँ पर। रूल नंबर 4th भी है, अगर किसी लेटर के लास्ट में कम COME कम है, लास्ट में ई मिले, तो हमको ई को हटाना पड़ता है और उसके जगह आईएनजी
लगाते हैं तो सी ओ एम आई एन जी कमिंग हो गया। इसी तरीके से आप बोलते हैं डब्ल्यू आर आई टी राइट, ई लगाया आपने, ई को आपने रिमूव किया और आई एन जी लगाया, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग। इसी तरीके से आपने बोला अब्यूज़, ए बी यू एस ई अब्यूज़, ई आपको आखिरी में मिल रहा है, इसे हटाइए और आई एन जी लगाइए तो क्या जाएगा, ए बी यू एस आई एन जी अब्यूजिंग। ये रूल नंबर फोर हो गया, जब भी लास्ट में ई मिले तो रिमूव ई फ्रॉम देयर एंड पुट आई एन जी डायरेक्टली। नंबर रूल नंबर फाइव बोलता है कि अगर पी एल ए वाई प्ले हो, वाई के पहले चाहे वाउल हो, जैसे आपने बोला क्राई, तो वाई के पहले चाहे वाउल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, सीधा आई एन जी फॉर्म लगाया जाता है, वाई को कभी नहीं हटाते, तो क्या आ जाएगा प्लेइंग। इस तरीके से क्या जाएगा सी आर वाई एन जी क्राइंग। कोई भी वर्ड ले लेते हैं आप, फ्लाई, एफ एल वाई, जिसके लास्ट में वाई होता हो, बस ये ध्यान रखिए उसके पहले से हमको मतलब नहीं है, एस और एस लगाने में मतलब होता था लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ क्या जाएगा आई एन जी, तो क्या जाएगा एफ एल वाई आई एन जी फ्लाइंग। अब देखिए रूल नंबर सिक्स, रूल नंबर सिक्स बोलता है कि अगर आखिरी में डी आई ई डाई, आपने क्या बोला आई ई का इस्तेमाल कर रहे हैं आखिरी में, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो क्या जाएगा डी वाई, आपने आई ई को किस में बदला वाई में, फिर आई एन जी लगाया तो क्या जाएगा डाइंग। इस ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं जैसे लाई वर्ब है, तो एल वाई आई एन जी लाइंग हो जाएगा, आपने आई ई को हटाया और वाई में चेंज किया, फिर आपने बोला डाई लाई, और क्या होता है टाई, एक और वर्ड मिला टाई, इसमें भी आपने क्या किया टी के बाद आई ई मिला, वाई में चेंज किया और आई एन जी लगाया तो टाइंग हो गया। इस तरीके से किसी वर्ब में किस तरीके से आई एन जी लगाया जाता है उसके यही आपके मेन रूल्स हैं। देखिए रूल नंबर वन में डबल कॉन्सोनेंट मिलने पर सीधा आई एन जी लगाएंगे आप, अच्छा एक कॉन्सोनेंट उसके पहले डबल वाउल मिलने पर आप आई एन जी लगाते हैं नो चेंजेस, लेकिन दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वाउल मिलने से आप आखिरी के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे डबल टी पुटिंग, डबल एन में रनिंग, डबल एम में स्विमिंग। इसी तरीके से आप देखिए जब आपको एट द एंड इफ यू गेट एनी ई, अगर सिर्फ ई मिले तो यू हैव टू रिमूव ई फ्रॉम योर एंड देन पुट आई एन जी, तो इस तरीके से ई हटाकर आई एन जी लगाते हैं। वाई अगर आपको मिलता है तो वाई के पहले चाहे वाउल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, आपको आई एन जी लगाना है, तो इस तरीके से डायरेक्ट प्लेइंग, क्राइंग एंड फ्लाइंग का इस्तेमाल किया। डाई ऐसे वर्ड बहुत कम होते हैं आई ई जिसके लास्ट में मिलता है, ऐसे वर्ड अगर आपके पास आ जाते हैं उसमें आई एन जी बोलना है आपको, तो आई ई को पहले वाई में चेंज करना पड़ेगा देन पुट आई एन जी, तो डाइंग लाइंग एंड टाइंग इस तरीके से बन रहा है। तो मैं किताब से भी कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ और उसमें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप उसे अच्छे से याद कर सकें, समझ सकें एंड जस्ट बेहतर इस्तेमाल कर सकें। देखिए यहाँ से चालू होता है, देखिए यहाँ पर क्या दिया, स्पेलिंग रूल्स वाउल एंड कॉन्सोनेंट पर निर्भर करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आई एन जी फॉर्म लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर रूल लिखे हुए हैं कॉन्सोनेंट होने पर, देखिए लास्ट में स्टैंड एन डी, यहाँ पर सी एच लास्ट में मिला, इसमें डबल एस मिला, इसमें सी एच मिला, इसमें एल और डी मिला, इसमें एन और सिंग है ना, एन और जी मिला, तो इस तरीके से देखेंगे कि जस्ट वी आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग, ना ही कुछ ऐड कर रहे हैं ना ही हम उससे रिमूव कर रहे हैं, डायरेक्ट आई एन जी फॉर्म लगाया गया है। अच्छा दूसरा देखिए सेकंड नंबर रूल वी हैव, रूल नंबर टू यू हैव, देखो लास्ट में वाई मिलने पर क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट आई एन जी लगाते हैं, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए इसमें लास्ट में ई मिलने पर हमें ई को रिमूव करना, हटाना पड़ता है और वहाँ पर आई एन जी पुट करते हैं, तो सभी वर्ड्स को गौर से देखिए, सीखने की कोशिश करिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। लेट्स सी, कीप से बना, कीपिंग इट से बना, देखिए पी है लास्ट में, उसके पहले दो वाउल्स हैं, उसको अंडरलाइन करके दिखाया गया है, आप इसे गौर करिए, ये अगला नियम था, लास्ट में कॉन्सोनेंट उसके पहले दो वाउल। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर डबल हम कब कर देते हैं, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वाउल मिलता है, तो टी और जी जो कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, तो इस तरीके से इसको डबल कर दिया गया, गेटिंग, स्विमिंग, नीटिंग, हीटिंग, कटिंग, पुटिंग है ना, ऐसे वर्ड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर वाई को हमने आई को वाई में चेंज करके आई एन जी लगाया, ये वो एग्जाम्पल मैं वहाँ दे चुका हूँ आपको लिखकर, ये जो रूल्स हैं इसको देख लीजिए, इसके फ़ोटो खींच लीजिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए, यही मुझे समझाना मेन था आप लोगों को आज की क्लासेस में, और आप इसे अच्छे से सीखने की कोशिश करिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा आपको है ना। और इसके साथ साथ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कुछ आंसरिंग और क्वेश्चनिंग आई एन जी फॉर्म से संबंधित आपको बताया जाएगा। ओके आज के लिए इतना काफ़ी है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।